अपने फेवरेट टॉपिक हेडफोन्स को लेकर फिर एक बार मैं आया हूँ, और इस बार लाया हूँ एक चाइनीज़ हेडफोन जिसका रिव्यू मैं करने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वसीम और मैं लाया हूँ टिन हाईफाई की तरफ से टिन ऑडियो T3 का रिव्यू। ये T1 और T2 का एक अपडेटेड वर्जन है, और टिन हाईफाई जो एक चाइनीज़ ब्रांड है और बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, इस तरह के ईयरफोन्स बनाता है जो बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं। तो पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग को कर लेते हैं। तो इसका जो बॉक्स है वो आपको देख के लगेगा काफ़ी प्रीमियम सा फीलिंग आएगा। इसके साथ जो ईयर टिप्स आए हैं वो है फ़ोन के ईयर टिप्स हैं जो कि बहुत ही बेटर आइसोलेशन के लिए काम में आएंगे। बहुत सारे रबर के ईयर टिप्स भी आए हैं। उसके अलावा MMCX का केबल आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक डीअटैचेबल ईयरफोन है इसीलिए आप केबल देख सकते हैं। पैकिंग थोड़ा अलग किया हुआ था। मेटल इसमें काफ़ी सारा यूज़ हुआ है, आप देख सकते हैं स्प्लिट पे भी मेटल यूज़ हुआ है। और इसका जो मेटल का जो फिनिशिंग है, यानी MMCX और 3.5 mm पे उसको गोल्ड प्लेटेड से फिनिशिंग दिया हुआ है, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, मतलब अच्छा क्वालिटी का परफॉर्मेंस मिलेगा। ऑफ कोर्स केबल का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है रेगुलर केबल से, लेकिन इस तरह के अच्छी क्वालिटी के केबल जो है बहुत ही कम कंपनीज जो है प्रोवाइड करती हैं ईयरफोन के साथ, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये ईयरफोन केबल मुझे लगता है। तो ये ओवरऑल इसका अनबॉक्सिंग था। अब आते हैं हम इसके स्पेसिफिकेशन पे। तो ये एक हाइब्रिड ड्राइवर यूनिट है, तो इसमें 10 mm का डायनेमिक ड्राइवर यूज़ हुआ है और एक नॉवल का BA ड्राइवर यूज़ हुआ है। MMCX का कनेक्शन है, इम्पीडेंस इसका 16 ओम्स का है, फ्रीक्वेंसी रेंज 10,000 to 40,000 Hz का है, केबल का लेंथ 1.2 मीटर का है, और इसका प्राइस है $53, यानी कि 4,000 के आसपास इसका प्राइस होगा। और अब आते हैं इसके डिज़ाइन की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये फुल मेटल बॉडी विद डीअटैचेबल MMCX कनेक्टर का इसका डिज़ाइन है पूरा, और मेटल का जो क्वालिटी है, जो एक ट्रेडिशनल बैरल स्टाइल का इसका जो स्टाइल है यूज़ हुआ है इसमें डिज़ाइन है, जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। लेकिन उसी वजह से इसका जो हाउसिंग है वो थोड़ा सा, इसका जो डायमीटर है वो थोड़ा सा वाइड है, और उस वजह से सभी के कानों के लिए ये शायद कंफर्टेबली ना बैठे, स्पेशली स्मॉल ईयर्स के लिए, तो थोड़ा सा उनके लिए डिफ़िकल्ट है उसको पहनना। लेकिन मेरे लिए बहुत ईजी था इसको पहनना, क्योंकि मेरे कान थोड़े से बड़े हैं तो मैं बहुत ईजीली इसे पहन सकता हूँ, और इसको आप बहुत ईजीली ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा ओवरऑल इसका डिज़ाइन और इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया, और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। 4,000 तक इसका प्राइस है, और आप AliExpress पे इसे आप इसे खरीद सकते हैं। तो अब आते हैं इसके ऑडियो परफॉर्मेंस की तरफ। तो मैं आपको एक थ्योरेटिकल इसका बता दूं कि ये हाइब्रिड ड्राइवर यूनिट है, यानी कि इसमें एक डायनेमिक ड्राइवर और एक BA ड्राइवर यूज़ हुआ है। तो जो डायनेमिक ड्राइवर का काम होता है वो होता है लो नोट्स को प्रोड्यूस करना, और बाकी सब कुछ जो है BA ड्राइवर को हैंडल करने के लिए देना, यानी कि अपर फ्रिक्वेंसीज। तो अब आते हैं इसके ऑडियो परफॉर्मेंस की तरफ। तो मैं बताता हूँ डिटेल में क्या इसका ऑडियो परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये एक ट्रबल हेड ईयरफोन है, बेस इसका है लेकिन बहुत ही लाइट और क्लीन है, लेकिन इसका ट्रबल जो है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी क्लीन और काफ़ी अच्छा है, और उसी वजह से म्यूज़िक सेपरेशन जो है इसका, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको सुनने को मिलता है। लेकिन बेस इसका जो है बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है, जो कि ठीक ठाक है, मुझे काफ़ी डिसेंट लगा। लेकिन दूसरी चीज़ें अगर मैं बात करूँ तो जैसे इसका साउंड स्टेज है वो भी काफ़ी वाइड और काफ़ी राउंड एज का स्टीरियो इफेक्ट आपको देता है, तो मुझे इसका साउंड स्टेज भी काफ़ी अच्छा लगा। मिड्स और हाइज जो है क्लैरिटी इसका बेटर है T2 से, मैंने रिव्यूज़ में पढ़ा था, और इसका ट्रांजिशन जो है मिड से हाई पे जब ये जाता है तो बहुत ही क्लीन, क्लियर और ग्लोरियस वे से जाता है। फुल और फास्ट भी है और स्पेशियस भी है। इसका वोकल भी बहुत ही स्वीट है, क्लीन है, और इसका जो आउट एंड आउट ईयरफोन है ये एक ट्रबल हेड ईयरफोन है, तो मुझे इसका ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी अच्छा लगा। यानी कि मैंने बताया जैसे इसके हाइज जो है बहुत ही ओपन और डिटेल है, ऑडियो डिटेल्स काफ़ी अच्छे और काफ़ी क्लीन है, बहुत ही प्रीमियम लुकिंग का इसका पैकेजिंग है, MMCX केबल और गोल्ड प्लेटेड के साथ ये आता है, कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है, तो ओवरऑल इसका क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसको मैंने काफ़ी सारे दूसरी ईयरफोन के साथ कंपेयर करके देखा जो कि मेरे पास ज़्यादा BA ड्राइवर्स के, जैसे 5 BA ड्राइवर्स और 8 BA ड्राइवर्स के ईयरफोन के साथ मैं कंपेयर करूँ तो ये सीधा इनको टक्कर देता है, क्योंकि इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। इतने छोटी ईयरफोन्स है ये कंपेयर टू ऐसे बड़े बड़े BA ड्राइवर्स के ईयरफोन्स के साथ मैं इसको कंपेयर करूँ तो डिज़ाइन
डिज़ाइन वाइज, लेकिन क्वालिटी जो है इनके काफ़ी क्लोजली आता है। ऑफकोर्स ज़्यादा बीए होने की वजह से फ्रीक्वेंसीज का आपको ज़्यादा रेंज मिलता है, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।